80,000 साल पहले इस विशाल अज्ञात धरती में मनुष्य का जिंदा रहना आग के कब्जे पर निर्भर करता था। उन मनुष्यों के लिए आग एक महान रहस्य थी, क्योंकि किसी को भी इसकी रचना करनी नहीं आती थी। आग को प्रकृति से चुराया जाता था और उस आग को हवा, बारिश और दूसरी दुश्मन टोली से बचाकर रखा जाता था। वो टोली जिसके पास आग थी, उसके पास जीवन और शक्ति थी। उलम नाम की एक टोली के पास एक छोटी सी चिंगारी है, जिसका सावधानी पूर्वक सुरक्षा किया जाता है और उसका उपयोग कर बड़ी आग लगाई जाती है। लेकिन एक दिन वानर जैसी दिखाई देने वाली टोली से खूनी लड़ाई के बाद उनकी आग गलती से बुझ जाती है, जिसकी वजह से सब मायूस और परेशान है। बिना आग के उनका खौफनाक जानवर, रात की भीषण ठंड और दूसरे दुश्मन टोली से बचकर जीवित रहना असंभव है, क्योंकि किसी को आग की रचना करनी नहीं आती। टोली के बुजुर्ग 3 आदमियों को आग की खोज करने भेजते हैं। उन तीनों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, विशाल अज्ञात भूमि, भूख, खौफनाक जानवर। उनको आग दिखाई देती है, लेकिन वो काजम नाम की टोली के पास है, जो कि नरभक्षी है। उन नरभक्षियों से मुठभेड़ के बाद तीनों उनसे आग चुराने में कामयाब हो जाते हैं।